एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर माह दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों को सेवन निषेध माना गया है, आइए जानते हैं। नंबर एक, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। नंबर दो, किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। नंबर तीन, इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। नंबर चार, एकादशी व्रत में शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। नंबर पाँच, एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर छह, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का धातु न करें। नंबर सात, इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कूले कर ले। नंबर आठ, एकादशी ग्यारस के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर नौ, एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। नंबर 10, फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। नंबर 11, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। नंबर 12, एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। नंबर 13, इस व्रत में सात्विक भोजन करें। नंबर 14, मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। नंबर 15, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।